गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, आई एम योर साइंस टीचर श्रेया। दिस इज वीडियो नंबर फिफ्थ एंड दिस इज अवर न्यू हेडिंग, जर्मिनेशन ऑफ न्यू प्लांट थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। इट मीन्स पौधों के अंगों के द्वारा नए पौधों का अनुकरण। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स बट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ज्यादातर सभी पौधे अपने बीजों से ही ग्रो करते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपने ही पौधों के कटे हुए भागों से ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया। हम लोग की सेकंड हेडिंग है जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि वो स्टेम से ग्रो कर जाते हैं, रूट्स हो गया, लीव्स हो गया। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सम प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द कटिंग स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट। कुछ पौधे अपने ही पौधों के कटे हुए तनों से ग्रो करते हैं। दीज स्टेम हैव स्मॉल बड्स ऑन देम। और ये जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं कटे हुए, उनके ऊपर छोटी कली होती है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बड्स, और उन्हीं से एक नया प्लांट ग्रो करता है। प्लांट्स सच एज रोज, हिबिकस, मिंट एंड शुगर कैन आर ग्रोन दिस वे। जैसे कि कुछ पौधे हो गए, गुलाब हो गया, ये मिंट हो गया, हमारा पुदीना और गन्ने हो गए, ये इसी तरीके से बढ़ सकते हैं। पोटैटो एंड जिंगर आर अंडरग्राउंड स्टेम। आलू और अदरक एक जमीन के अंदर रहने वाले पौधे हैं, उनकी तने भी अंदर होती हैं, तो वो अपने जो कटे हुए भाग होते हैं उसके अंदर से वो ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे उनका जो पार्ट होता है वो हम लोग मिट्टी के अंदर लगा देते हैं क्लास, और फिर वो उसी से ग्रो करते हैं। पोटैटो हैज बड्स नोन एज आईज ऑन इट फ्रॉम वेयर न्यू प्लांट्स कैन अराइज। बच्चों, पोटैटो में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिसे लोग उसकी आंख बोलते हैं, लेकिन वो आंख नहीं होती है, वो बड्स होती है, उसकी कलियां होती हैं। ओके, और उसी से एक नया प्लांट ग्रो करता है। नेक्स्ट हेडिंग, जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। जड़ों के द्वारा पौधों का अनुकरण। प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, कैरेट एंड रेडिश ग्रो फ्रॉम बड्स प्रेजेंट इन देयर रूट्स। कुछ पौधे जैसे कि शकरकंद, गाजर, मूली हो गए, ये कटे हुए जो कटे हुए रूट्स होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, उन पे जो बड्स होती हैं, कलियां होती हैं, उनसे ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। सम प्लांट्स एज ब्रायोफिलम, बेगोनिया एंड कैक्टस एसेट्रा ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। जैसे कि बेगोनिया और कैक्टस हो गए, ये वो पौधे हैं जो अपने पत्तियों के कलियों से ग्रो करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। सम प्लांट्स लाइक फर्न्स, मॉसेस एंड मशरूम्स डू नॉट बियर फ्लावर्स। जैसे कि कुछ पौधे हैं, फर्न्स, मॉसेस एंड मशरूम्स, ये वो पौधे हैं जिनमें फूल नहीं होते हैं, सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स, इसलिए ये बीज भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। इसलिए इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल फीचर होता है, जिसे हम लोग स्पोर्ट्स कहते हैं। ओके, और ये जो स्पोर्ट्स हैं, ये इनकी रिप्रोडक्शन में मदद करता है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज स्पोर्ट्स, और जो नए पौधे होते हैं वो इसी स्पोर्ट्स से ग्रो करते हैं, क्योंकि इनमें सीड्स तो होता नहीं है। हम लोग बाकी पौधों के लिए सीड्स लगाते हैं, है ना, तब वो ग्रो करते हैं, लेकिन इसमें स्पोर्ट्स ही उनकी मदद करता है। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये छोटे छोटे है ना, ये स्पोर्ट्स है। ओके क्लास,
नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टिल देन क्लास।